इमरान बहुत ही फोकस्ड रहा अपने गोल के प्रति शुरू से, और जैसा कि आपको पता ही है कि जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली जब स्टूडेंट होते हैं, तो जो अपने लिए गोल इमरान ने चुना है दैट इज़ नॉट वेरी कन्वेंशनल, वो कन्वेंशनल नहीं है, वो बड़ा यूनिक सा गोल होता है। शायद मेरे मैं जिस कम्युनिटी से हूँ या जहाँ से बिलोंग करता हूँ, और अपने फ्रेटर्निटी अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद 10 में से 9 लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, लेकिन शायद कोई एक ही ऐसा होता है जो बॉलीवुड एक्सप्लोर करने की बात करे या बॉलीवुड जाने की सोचे। तो इमरान जो है उसके गोल्स बड़े यूनिक थे, और इस वजह से कई बार वो महसूस भी करता होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, कि उसके गोल्स बड़े ही ऑड हैं, और बाकी लोग जो हैं वो कोई ना कोई परीक्षा दे करके, एग्जाम दे करके कहीं ना कहीं सेट होते जा रहे हैं, लेकिन इमरान की विल पावर इतनी बढ़िया थी, इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि अपने नज़र के सामने अपने दोस्तों को बनता हुआ देखकर, एस्टैब्लिश होता हुआ देखते हुए भी उसने अपनी जिद, अपना विल जो है, अपनी डिज़ायर, उसको छोड़ा नहीं। और मुझे लगता है कि शायद परसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से, मेहनत की वजह से इमरान को जो आज सफलता मिल रही है वो इसी का नतीजा है। खूबियाँ मेरे हिसाब से कुछ ऐसी होती हैं जो प्रकृति आपको देता है, और कुछ ऐसी होती हैं जो आप अपने अंदर खुद से डेवलप करते हैं। अगर प्राकृतिक खूबियों की बात करें तो मेरे हिसाब से इमरान जो है बहुत ही प्रेजेंटेबल इंसान है, बहुत ही चार्मिंग है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी विटी। और अगर हम इमरान के खुद से जो उसने इनकलकेट किया अपने अंदर जो क्वालिटीज़ उसकी बात करें, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी ये है कि वो चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली लेता है। अब मैं आपको एक इंस्टेंस साइट करूंगा कि ऐसा भी दौर आता है आदमी की लाइफ में, नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ कंपल्शन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि आपको पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है। और हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे, सब पढ़ते थे, सब अपने अपने गोल्स की तरफ जा रहे थे, तो ऐसा भी वक्त आता था जब हो सकता है हमने खाना बनाने का सोचा और रात के 10 बजे जब खाना बनाने के लिए पहुंचे तो पता चला कि गैस खत्म हो गया। अब उसमें से अगर 4 लड़के रो रहे होते थे तो इमरान जो है वो खुश हो रहा होता था कि कल जो है भूख ज़्यादा लगेगी, भैया जम के खाएंगे। तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक होना जो कहते हैं ना, वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट आज के यूथ के लिए, जो इमरान के अंदर है, और ये उसको बहुत ज़्यादा, इमरान को उसने इस चीज़ ने हेल्प किया है आगे बढ़ने में। देखिए ज़िंदगी ऐसी होती है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बूढ़ा व्यक्ति ही मरे, एक जवान भी मर सकता है, एक बच्चा भी मरता है, ज़िंदगी का पता नहीं है, लाइफ इज़ एडहॉक मेरे हिसाब से। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हर दिन को हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से जिएं और इस तरह से निकालें कि शायद कल के लिए कोई चिंता ना हो, और जो कल बीत जाए उसके लिए भी कोई दुख ना हो, कोई खेद ना हो कि भाई कल जो बीता वो हमने बर्बाद कर दिया। और जब सो रहे हो तो ये भी ना लगे कि यार कल तो इतना कुछ करना है, क्योंकि आपके मन में सोते वक्त ये एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट किया है, जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, अब कल की कल देखेंगे। इमरान के अंदर इस तरह का एटीट्यूड मैंने सबसे ज़्यादा देखा, सबसे अच्छे तरीके से रात में सोने वाला व्यक्ति भी इमरान हुआ करता था, जबकि सबसे ज़्यादा इनसिक्योर अपने गोल्स को लेकर के भी मुझे लगता है शायद इमरान ही था। तो दीज आर दी क्वालिटीज मुझे लगता है जो कि सबको सीखनी चाहिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम इमरान।